हर इंसान का सोचने का तरीका अलग होता है, लेकिन उनके हाव भाव एक जैसे होते हैं, जैसे गुस्सा करना, रोना और बहुत से ऐसे प्रक्रिया जो इंसान के अंदर होते हैं और वो आके सामने बिना बोले ही प्रकट करते हैं। हर इंसान यह जरूर सोचता होगा कि जिससे भी हमारी कोई मीटिंग और डेटिंग होने वाली है, उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा होगा, क्या कहेगा। ये सब जानकारी अगर पहले से पता होगी तो कितना अच्छा होगा। लेकिन आप सामने वाले इंसान के मन की बात का अंदाजा लगा सकते हैं, वो कैसे, आइए जानते हैं इस छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी के जरिए, और साथ में आपको कुछ तरीके भी शेयर करूंगा। अगर ये समझ गए तो आपकी सक्सेस पक्की। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक सम्राट का बेटा जब बड़ा हुआ तो सम्राट ने अपने बेटे को ध्यान की शिक्षा के लिए एक जापानी गुरु के पास भेज दिया। जापानी गुरु बड़ा अजीब था। उसके आश्रम के बाहर की तख्ती पर लिखा था कि यहां तलवार चलानी सिखाई जाती है। सम्राट का बेटा इसे देखकर हैरान हुआ कि मेरे पिता ने तो मुझे ध्यान सीखने के लिए भेजा है, लेकिन यहां तो कुछ और ही चल रहा है। गुरु ने लड़के से कहा कि तुम कुछ दिन यहां आश्रम में रह लो, जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हारी शिक्षा शुरू कर दूंगा। ऐसे ही महीनों बीत गए। एक दिन गुरु आए और बैठे हुए शिष्य पर लकड़ी की मदद से पीछे से हमला किया। शिष्य दर्द से चिल्लाने लगा और गुरु से बोला, मुझे तो आप पागल लगते हो, मुझे यहां शिक्षा के लिए भेजा गया है और आप मुझ पर वार कर रहे हो। गुरु ने कहा, आज से तेरी शिक्षा शुरू, अब तू ध्यान रखना, सजग रहना, किसी भी समय मैं तुझ पर वार कर सकता हूं। दिन बीतते गए। गुरु दिन भर में उस पर कई बार वार करता। शिष्य कुछ वारों से बच जाता लेकिन कुछ से नहीं बच पाता। 3 महीने बाद शिष्य इतना सजग हो गया कि वो गुरु के पैरों की आवाज भी दूर से सुन लेता कि गुरु मेरे पास आ रहे हैं। अब गुरु उस पर एक भी वार ना कर पाते। अब गुरु ने कहा, तेरी दूसरी परीक्षा है कि अब नींद में भी ध्यान रखना, नींदों में भी तुझ पर वार हो सकते हैं। अब शिष्य पर कुछ दिन नींद में भी वार हुए, लेकिन फिर शिष्य नींद में भी सजग रहने लगा। अब नींद में भी गुरु पास आते तो उसे पता चल जाता। देखते देखते 6 महीनों में उस शिष्य का ध्यान और होश बढ़ गया। एक दिन गुरु साधना कर रहे थे, तभी शिष्य ने सोचा, गुरु ने मुझे इतनी बार मारा है, क्यों ना आज गुरु की परीक्षा ली जाए कि आखिर इनका ध्यान कितना सजग है। शिष्य ने मन में सोचा ही था कि गुरु की आवाज आई, रुको रुको, नहीं, ऐसा करने की सोचो भी मत, मेरी हड्डियां बूढ़ी हो चुकी हैं, मुझे मत मारना। शिष्य हैरानी से बोला, आपने मेरे मन की बातें कैसे जान ली। गुरु ने कहा, बेटा अब मेरा मन इतना शांत और ध्यान इतना सजग हो चुका है कि मैं अब दूसरों की भावनाओं और मन के विचारों को पढ़ लेता हूं। बेटा अपने सम्राट पिता के महल वापस लौट आया। पिता ने पूछा, कैसे थे तुम्हारे गुरु। बेटे ने कहा, गुरु ने मुझे तलवार चलाना तो नहीं सिखाया, लेकिन अब कोई मुझ पर वार नहीं कर सकता, मेरा ध्यान इतना सजग और तीव्र हो चुका है। दोस्तों, एक शांत मन आपके जीवन में ध्यान को जन्म देता है। जितना गहरा आपका ध्यान रहेगा, उसी लेवल पर आप चीजों को याद रख पाओगे। शांत मन में इतनी ताकत होती है कि आप दूसरों के दिमाग को पढ़ना भी सीख जाओगे। इसलिए हर दिन सजग रहने के लिए ध्यान करो। ध्यान से आपके दिमाग में स्थित कई बंद छिद्र खुलते हैं और आपकी इंटेलिजेंस बढ़ती है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि मैं आपको कुछ तरीके भी बताऊंगा, तो उन तरीकों में पहला है, अपने मन को शांत रखें। अगर आप किसी व्यक्ति से बातें कर रहे हैं और आप उसके मन की बातों को जानना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले अपने मन को शांत रखें। तुम्हारा सारा ध्यान उस व्यक्ति के हाव भाव और बातों पर होना चाहिए। अगर आपका मन बीच में यहां वहां होने लगा तो आप उस व्यक्ति के मन का जरा सा भी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसके सभी बातों को ध्यान पूर्वक सुने। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, सामने वाले व्यक्ति के हाव भाव को पहचाने। अगर आप यही जानना चाहते हैं कि सामने वाले की मनोस्थिति कैसी है और वो क्या सोच रहा है, उसके अंदर अभी क्या प्रतिक्रिया चल रही है, तो इसके लिए उसके हाव भाव को और शारीरिक गतिविधि को ध्यान से देखें। यदि उस व्यक्ति के हाव भाव और शारीरिक गतिविधि शांत है और वह व्यक्ति आपकी सभी बातों को ध्यान पूर्वक सुनता जा रहा है, तो समझिए उसको आपकी बातें पसंद आ रही है और आगे तक वह सुनना चाहता है। और इससे पता चलता है वह व्यक्ति सकारात्मक प्रतिक्रिया देने वाला है। अगर उससे आप बातें कर रहे हैं और उस व्यक्ति के चेहरे पर गंभीरता के भाव हैं और आंखों में अस्थिरता है, तो समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति से
आपको नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने वाली है और उस व्यक्ति को आपके बात करने का तरीका या किसी बात से बुरा लग रहा है। इसके अलावा यदि आंखों की भौहें चढ़ी हुई हो और चेहरे के हाव भाव उग्र दिखाई दे रहे हैं तो यह बात साफ है कि सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात पर गुस्सा आ रहा है। तो आप यहां पे उस व्यक्ति के हाव भाव, शारीरिक गतिविधियों को समझते हुए अपनी बात को बदलते हुए दूसरी दिशा में ले जाकर सामने वाले व्यक्ति को भी अपने तरफ मोड़ सकते हैं। इस तरह से आप अपने बात को बदल सकते हैं और सामने वाले व्यक्ति को अपनी तरफ ला सकते हैं और व्यक्ति के मन की बात को आप जान सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।